नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना, इस वक्त हम है कुम्मा डायवर्सन में और यहाँ सुंदरपुर सुंदई गांव के बीच में जो एक कुम्मा डायवर्सन है जो बहुत ही दिन से यहाँ लापरवाही के कारण यहाँ डूबा हुआ था, तो चल रहे हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पुल तैयार हो गया है, पुल यहाँ तैयार हो गया है और बारिश होने के कारण कितना भाई साहब को, गाड़ी वाले सब को कठिन होता है आने जाने में। तो हम यही कितना दिन में ये पुल तैयार होंगे, यहाँ पे कोई है कि नहीं, हमारे इंजीनियर साहब या हमारे ठेकेदार साहब के जो भी काज करता है उनसे भी हम आगे चल के बात करेंगे कि कितना दिन में ये तैयार होगा, क्लियर होगा। और आने जाने में अभी देखिए हमारे कैमरामैन दिखलाइए कितना कठिन है, कितना कठिन है। थोड़ा सा गाड़ी अगर इधर उधर होगा तो वो गिर जाएंगे। तो चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं जो आए हैं पार करके, उस पार से इस पार आए हैं। कठिन है कि क्या है, इनसे जरा हम चर्चा करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? नवीन कुमार। तो सर, ये रूट में कितना दिन से आप आ रहे हैं? 15 साल। तो पहले कैसा था? पहले तो ऐसा ही था, लेकिन अब निर्माण हो रहा है। पहले से निर्माण हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो सर, ये पुल तैयार होने के लिए टाइम लगाया जा रहा है, बार बार टाइम लगाया जा रहा है। यहाँ के जो ठेकेदार साहब है, यहाँ के जो इंजीनियर साहब है, जो ये क्या बोल रहे हैं, ये 2-4 महीना का टाइम लिए थे, लेकिन हम अंदाज लग रहा है कि 6 महीना से ज़्यादा हो गया, जुलाई भी चढ़ गया, जून तक ये लास्ट काम था। तो इस पर आपका क्या कहना है? डाल मटोल हो रहा है, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, कहाँ से आप आ रहे हैं? बेलसंड से, बहुत दूर। और इधर मेहमानी है? इधर मैं जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ कितना दिन से इस रोड का सफर आप कर रहे हैं? अच्छा, प्रयासें करेगा ना। अच्छा अच्छा, हर लोग भी प्रयासें कर रहा है, भगवान भगवान से उसको भगवान ने कि जल्दी बना देगा। जी जी जी, इतना प्रयास करना चाहिए कि अगर जल्दी ताकि यातायात असुविधा न किसी को। जी, तो आए हैं आप ग्रामीण है, जरा ग्रामीण से भी बात करते हैं कि ये कितना दिन में तैयार हो जाना चाहिए और कितना दिन से काम चालू है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की कुमार हुआ जी। यहाँ जो ग्रामीण जो पुल आप देख रहे हैं, जी जी, ये हमारे पीछे दो जी जी, ये लगभग बहुत लंबे समय से इसका कार्य जो है प्रगति पर है जी, बट अभी तक नहीं हुआ, जो कि पिछले साल हो जाना चाहिए था। जी जी, अभी सुनने में आया था कि डीएम साहब 20 तारीख तक का अल्टीमेट दिए थे ठेकेदार साहब को, 20 तारीख तक, लेकिन नहीं हो पाया है जी। अब इसमें जो है बारिश से पहले इनको भी कर लेना चाहिए था जी, नहीं हुआ। यथावत आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है जी, अगर ये अब नहीं हुआ है तो शायद ये लगता है कि इस बारिश भी जो है इसी तरह निकल जाएगा। और अभी जबकि ये डायवर्सन था जी, तो ये था कि चलो 15-10 दिन जो है नाव वाव से पार करते थे, उस तरफ जाते थे, बट ये मिट्टी जिस तरह से रखा हुआ है, अगर इस बीच में लगातार बारिश होगी जी, तो फिर लगता है कि वो भी यातायात पूर्ण रूप से जो है बाधित रहेगी और इससे सब तरह से आम जनता को भी समस्या जो है होती है और रात दिन इसमें कठिनाई। बात पूर्णतः समस्या का हल होने से जी, पहले ये कट्ठी पुल के नाम से फेमस था, काठ का पुल था। अच्छा, पहले काठ का, पहले जमाना में हम लोग के परदादा के टाइम जो अंग्रेजों ने बना के गया, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आज तक हम लोग का 3rd-4th generation है जी, पर आज तक ये पूर्ण रूप से जो है शायद हम लोग समझिए कि लकी होंगे कि अगर बन जाता है पूर्णतः से देख पाएंगे। तो यहाँ पूरे लोग इधर से जो है ये मेन NH-104 है जी, और देखिए कि अभी तक यहाँ विकास की धारा नहीं बही। नहीं तो ये इसमें किसकी कमी है, सरकार की कमी है कि यहाँ के ठेकेदारों की कमी है? कमी तो सरकार की ही होती है, ठेकेदार की कमी कैसे कहें जी, सरकार का है, सरकार इसको संज्ञान में लेते तो बहुत पहले होता जी। जी, इतनी कठिन के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, धस रहे हैं। तो हम यहाँ के जो भी देख रेख है और जो भी यहाँ काज करता है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि बारिश का मौसम चालू हो गया है, बारिश 2 महीना कस के रहेगी, तो हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस पुल को तैयार किया जाए, जल्द से जल्द इस रास्ता को चालू किया जाए। इस वक्त हम बथनाहा विधानसभा में और महुआवा पंचायत में और महुआवा गाँव में जो हम देख रहे PW रोड है, जो प्रधानमंत्री के योजना से ये बना हुआ है और बिहार सरकार के योजना से भी शामिल है।
तो चल रहा है ये महुआवा पंचायत में। हम अभी देख रहे हैं कि 2 घंटा बारिश हुआ है 6 बजे से लेके 1 बजे तक, लेकिन यहाँ दहर आ गया है। मतलब दहर, जो दहर आता है कब, जब नेपाल छोड़ा जाता है पानी तब बिहार में दहर आता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं महुआवा पंचायत में और महुआवा गांव में दहर आ गया। ये रोड जो गिया हुआ है ये सोनबरसा होते हुए और ये सीतामढ़ी तक, पुम्मा होते हुए सीतामढ़ी तक। तो चल रहे कुछ ग्रामीण है यहाँ पे कि क्या बात है कि पानी का रुकावट है, कि ग्रामीण के घर का पानी है कि बारिश का पानी है, और इसमें है कि छोटे छोटे अगर बच्चे इसमें जाए तो समझ लीजिए कि ये डूबने का संभावना है। जो 2-2.5 साल के बच्चे अगर गुरुक जाएंगे तो डूबने का संभावना है, बचने का कोई उपाय नहीं है। तो जरा हम ग्रामीण से बात करेंगे। हाँ सर, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मगन महतो। घर? महुआवा। तो सर ये दुर्दशा हम देख रहे हैं कितना दिन से है? 1.5 महीना से। तो यहाँ नाला के लिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, नाला के लिए यहाँ बात विचार किया कि नहीं, जिनको आप वोट देते हैं? अभी नहीं किया। अभी नहीं किया है? अच्छा, हमारे कैमरामैन जरा आइए इधर दिखलाइए, ये पूरा दिखलाइए। आइए सर इधर आइए, लग में आइए, डूबिएगा नहीं। ये पूरा दिखलाइए, जो बउआ सब आ रहे हैं बउआ सब का पूरा दिखलाइए। देखिए कितने स्थिति में बउआ आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर इधर उधर होंगे तो वो गिर जाएंगे, हाथ पांव टूटेंगे। तो यही हम कहेंगे कि महुआवा पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, जैसे यहाँ के मुखिया हुए, जैसे यहाँ के वार्ड हुए, जैसे यहाँ के समिति हुए, जैसे यहाँ के जिला पार्षद हुए, वोट लेने के दिन वोट ले लेते हैं, लेकिन ग्रामीण को जो दिक्कत होता है, समस्या होता है, ग्रामीण से आके मिलते नहीं है। तो चल रहे एक और चाचा है, जरा हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? हरिलाल। ये कितना दिन से समस्या है? 2-3 महीना से। 2-3 महीना से? पहले पानी का निकासी कहाँ होता था? 1.5 महीना से है। ना पहले पानी का निकासी कहाँ से होता था? पहले पानी निकासी कहाँ हो रहा? कोई प्राइवेट जमीन वाला पानी बंद किया है? अच्छा, पानी बंद कर दिया है ना, निकलने क्या कारण से बंद किए हुआ है? बंद कर दिया है उसका अपना जमीन, सरकारी जमीन है कि प्राइवेट जमीन है? सरकारी जमीन है, निकालने नहीं देता है। अच्छा, मतलब जमीन सरकारी है, निकालने नहीं देता है? अच्छा, कर दिया आगे। अच्छा, और यहाँ के जो मुखिया जी है, जैसे वार्ड है और ये पंचायत समिति है, जिला पार्षद है, वो सबसे आप लोग बात किए कि नहीं? नहीं, बात वो देता है, वो लोग कोई नहीं समस्या आता है। अच्छा, इस पे कोई नहीं आए हैं? कोई नहीं। देखिए यहाँ के कैसे जनप्रतिनिधि है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विकास है बिहार के अंदर जो विकास हम देख रहे, यही नमूना है। हमारे कैमरामैन पूरा दिखलाइए, कम से कम 150 फीट में ये समस्या है, 150 फीट से कम नहीं होगा। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? श्रीलाल बैठ। घर? तो सर ये चाचा, ये पानी का जो निकासी है नाला के लिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जैसे ठेकेदार है, रोड बना, तो नाला के लिए आप बात किए कि नहीं किए कि इसमें ग्रामीण रोक लगाए हुए हैं? नाला के लिए ग्रामीण रोक लगाए हुए हैं। देखिए ऐसे ऐसे ग्रामीण भी होते हैं जो जिनके ये रोड के सामने घर है, वो धांधली करते हैं और वो रोक लगाते हैं कि नाला बनने नहीं देंगे। तो ठेकेदार तो ऐसे में मजबूरी में ये तो भागेंगे। तो चाचा एक चीज है, यहाँ पे गंदा पानी है, तो क्या आप गंदा पानी हेल के बाजार जाते हैं? बाजार जाता है कि घर में भी जाता है? अच्छा, तो यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि है, जैसे जीते हैं, वो सबसे बात नहीं किए कभी? खाली वोट देने के दिन वोट देते हैं? और बोलिए, तो आइए हमारा कैमरा मैन सामने आइए, देखिए क्या स्थिति है। हमारे भाई सब आ रहे हैं, जरा हम इनसे भी बात करेंगे। भाई सब सामने आइए, सामने देखिए क्या स्थिति है कि कुछ लोग भी डर रहे हैं, मतलब कुछ लोग को भी खौफ है कि हम बोलेंगे तो हमको दिक्कत होगा। हाँ सर, 2 मिनट। क्या नाम है आपका? दोस्त कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? तो सर ये समस्या, आपका गाड़ी अगर गिर जाए तो आपको कैसा एहसास लगेगा? सरकारी सब पर ध्यान नहीं देता है।
जी इसमें मुखिया है वो सब ध्यान नहीं देता है, कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, लापरवाही के कारण ही सब हो रहा है। ये तो मुखिया के हिसाब इसमें नहीं है, तो विधायक के फंड में है। विधायक के फंड में जिसको फंड में जो है काम कराएंगे तब ना होगा, इसी के फंड में काम कराने से ना होता है। जी काम नहीं करवाएगा तो कुछ नहीं होगा। जी जी, तो हमारे कैमरामैन जरा और भी रिकॉर्ड कीजिए, पूरा दिखलाइए सामने तक, एकदम पूरा आना चाहिए। देखिए क्या स्थिति है महुआवा पंचायत का और महुआवा गांव का विकास, और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास है बिहार में, कहा जा रहा है कि नंबर वन, नल जल से लेके इंदिरा आवास से लेके नाला से लेके हर चीज पे घोटाला है। यहाँ हर चीज पे जो छोटे छोटे नेता है, जैसे विधायक हुए, एमपी हुए, जो भी है, एकदम घोटाला मारने में, एकदम चोरी करने में है। तो हम यही कहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है और यहाँ के जो विधायक साहब से भी है अनुरोध है कि इस महुआवा पंचायत में आवे और महुआवा पंचायत पे ध्यान दे। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? महेंद्र दाचा। तो चाचा, ये समस्या कितना दिन से है? दिन तो बहुत दिन से। तो इस समस्या के लिए आप लोग वोट करते हैं, जिनको चुनते हैं, क्या वो नहीं आए हैं देखने? वो देखता है सभी लोग, खबर भी नहीं है, सब दिया हुआ है। अच्छा, तो हम यही कहेंगे यहाँ के जो जिम्मेदार है और महुआवा पंचायत के जो देख रेख कर रहे हैं, जो जन प्रतिनिधि है, उनसे अनुरोध है कि यहाँ पानी निकासी करने का सुविधा करें। देखो पानी, ये रास्ता को भी देखो। जी जी, ऐसा है जी, तो इसमें रोड अभी बना नहीं है ना। पास है रोड, रोड पहले साल बोलता था कि पास हो गया, बनेगा अच्छा, बनेगा बनेगा, बनते रह गया। अच्छा, तो ऐसे ऐसे को आप वोट क्यों देते हैं? तो वही से अंतिम बार उसको वोट नहीं मिला है, दूसरा का मिला वो भी वैसा ही है। अच्छा अच्छा, ऐसा ही है। तो हम यही कहेंगे यहाँ के जो भी ग्रामीण है, ग्रामीण से भी अनुरोध है कि अपना अपना व्यवस्था को टाइट रखे, पानी को निकासी दे, घेरे मत, पानी का निकासी दे। जय हिंद, जय बिहार।